तन धन रामदास गुर जिनसरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे तारिया। सोडी सुल्तान पातशाह धन धन साहब श्री गुरु रामदास महाराज का अज गुरता गद्दी तिहार है। आप सारिया संगतों नूं सिख फैक्ट चैनल की समुची टीम वालों बेअंत बेअंत बधाई। आओ धन गुरु रामदास महाराज का प्रेरणादायक जीवन किस तरह वो चूना मंडी लाहौर तो बासर के पहुँचे, बासर के तो गोइंदवाल साहिब ते गोइंदवाल साहिब तो किस तरह वो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब दे मालक बनते हैं। एक वो बालक जो 7 साल की उम्र के माता पिता के अकाल चलाने तो बाद इकला रह जाता, कोई साग संबंधी रिश्तेदार नेड़े नहीं लगता, बुढ़ी नानी उन्हां नूं लै के बासर के आ जाती है। सिर दे उत्ते उबले हुए छोले घुंगणियां दा टोकरा छाबा रख के गलियां दे विच फिरता होया छोले वेच के अपना अपनी बुढ़ी नानी का ढिड भरन वाला ही बालक। सिक्खी का कितना प्यार सी, कितना चढ़दी कला वाला जीवन सी। अज असी देखते हैं साढ़े आले दुआले लोग छोटे छोटे दुखों तो घबरा जाते हैं। भाई देखो गुरु रामदास महाराज का जीवन, छोटी उम्रे माता पिता के चले जाने के बाद इतना संघर्षमय जीवन, अपना अपनी नानी का पेट भरते हैं। पहला सेवा दे पुंज धन गुरु अमरदास महाराज के उदामाद बनते हैं और उदे बाद धन गुरु नानक देव जी महाराज की उस गद्दी दे चौथे मालक बनते ने जिदे अगे राजे महाराजे भी नतमस्तक होंगे ने झुकते हैं। कितना बुलंद जीवन है। इस वेले धन गुरु रामदास महाराज जिन्हों का पहला नाम भाई चेठा सी, श्री गुरु अमरदास महाराज के दरबार च पहुँच गया, उन्होंने दर्शन कर दिया, निहाल हो जाते। फिर एक नेम बनता है सेवा का सिमरन का। उन्होंने निम्रता उन्हों का प्यार देख के गुरु अमरदास महाराज अपने महलों को पुछते हैं कि ये बालक कौन है। गुरु अमरदास महाराज की पत्नी किस वेले गुरु अमरदास महाराज के नाल जिक्र करते हैं कि सानू तो अपनी बेटी के लिए यहोजा वर चाहिए, तो गुरु साहब कहते हैं कि यहोजा तो केवल यही है, ये वर्गा होर कोई नहीं। श्री गुरु रामदास महाराज के जीवन के सानू जिहड़े नुक्ते समझ आ रहे हैं कि एक पुत्र होने के नाते उन्होंने जिहड़े निभाए हुए फर्ज ने उन्हों का कोई उदाहरण नहीं मिलता। जिस वेले वह जवाई बनते हैं उन्हां वर्गा कोई जवाई नहीं, जिस वेले वह सेवक बनते हैं उन्हां वर्गा कोई सेवक नहीं, जिस वेले वह धन गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी के उत्ते विराजमान होंदे ने तो फिर उन्हां दे वर्गा कोई दाता भी नहीं है। श्री गुरु अमरदास महाराज के हुक्म के नाल गोइंदवाल विखे बौली साहब के कार्य के निर्माण कार्य की सेवा दे लई भाई जेठा जी जांदे, संगतां दूरों दूरों आके सेवा कर रही। भाई जेठा जी श्री गुरु रामदास महाराज का पहला नाम से। भाई जेठा जी के रिश्तेदार भी उत्थे पहुँचते आ, मिट्टी के नाल गारे के नाल लिबड़े हुए पस्तर देख के उन्होंने सिर के उत्ते मिट्टी की भरी हुई टोकरी देख के ना गुरु अमरदास महाराज को जाके शिकायत कर। धन गुरु अमरदास महाराज कहते हैं ध्यान ना देखो ये मिट्टी का टोकरा नहीं है, ये दीन दुनी का छत्र है। कि सिर पर अनेक प्रीख्यावान हुई, हर प्रीख्या के भाई जेठा जी पास हुए, बड़ी चढ़ती बात है। गुरु अमरदास महाराज ने खुश होकर उन्होंने गुरता गद्दी उत्ते विराजमान किया। अज का जिहड़ा दिहाड़ा संसार भर के मनाया जा रहा है। एक वो बालक जिहड़ा खाली हाथ अपनी नानी के नाल चूना मंडी लाहौर तो बासर के आया, जिसकी किसी ने बाह नहीं फड़ी सी। धन गुरु अमरदास महाराज ने जिस वेले चौंकी ते सिंघासन ते बिठा के इन मत्था टेकिया ना, तो अपने बचपन के समय में चेते करके धन गुरु रामदास महाराज ने बचन कहे सन कि हे सच्चे पिता, मैं तो कीड़े की न्याई सा, मेरी कोई गल नहीं सी पुछदा,
तू मैनू फर्श तो अर्श ते पहुंचा देता है। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केगा हित मिलिए चूके सब सूग संतापे। धन गुरु रामदास महाराज जिन्हां दी किसे ने बाह नहीं फड़ी सी, जिन्हां दे कोई नेड़े नहीं सी लगता, जिहड़े घुंगड़ियां वेच के अपने अपनी नानी का ते अपने अपने परिवार का अपना पेट पालदे सन, अज उस धन गुरु रामदास महाराज के दर ते देखो किन्नियां भगतां ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच कितनियां नियामतां बरकतां मिल रही ने कि लखां लोग इत्थों बख्शिशां प्राप्त कर रहे हैं। उस स्थान दे लई ए दर्ज किया गया कि डिठे सभे थां नहीं तुद जिहा, उहदे वर्गा संसार दे उत्ते कोई थां ही नहीं जिथे 24 घंटे उस अकाल पुरख परमात्मा दे इलाही कीर्तन का आत्मक रूप लंगर ते शरीर का भोजन दाल प्रसादा वर्तदा है। जिथे निथावियां नूं थां मिलदी है, जिथे निमाणियां नूं मान मिलता है, जिथे तन मन के रोगी तंदुरुस्त होते हैं। कितनिया बरकत नियामत ने धन गुरु रामदास महाराज के उस तख्त उत्ते। आओ सोडी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास महाराज को नतमस्तक होइए। उन्होंने गुरता गद्दी पुरब दिया एक बार फिर आप सारियां बेअंत बेअंत वधाइया। मिलते हैं एक होर नवी जानकारी के नाल नवे वीडियो के नाल। देखते रहो सिख टैक चैनल। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।